हम जो पहुंच गए यहाँ पर कैलाशपुरी के अंदर जो छठ के पास बताया गया था, तो वहाँ पहुंच गए काफी दिखते हैं वहाँ पर भी कैसा प्रोग्राम वहाँ चल रहा है, तो आपको दिखाइए किस प्रकार से यहाँ प्रोग्राम है और काफी लोग यहाँ पे है भीड़। और मैं चाहता हूँ उत्तराखंड की हर सारी चीज़ें आपको दिखाई जाए यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड के काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से लोग अभी धीमे धीमे करके एंटर हो रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने लोग आ चुके हैं, तो अभी जो प्रशासन यहाँ पे चालू होने वाला है यहाँ पे प्रकार से देखिए हाथ लग जा रही है, देखिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता था क्योंकि सबका लोगों का कैप्चर करूँ वीडियो किस प्रकार से यहाँ पर मतलब यहाँ के उत्तराखंड के आज जो भी है यहाँ पे लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया जो जनचारी करके हैं, जो संस्कृति संध्या के साथ यहाँ पे कार्य हो रहा है। दिखाते आगे क्या क्या यहाँ होने वाला है, किस प्रकार से प्रोग्राम स्टार्ट है और किस प्रकार से हम यहाँ पर करा रहे हैं कैप्चर को, इसको कुछ बेहतरीन तरीके से चलते हैं और दिखाते हैं कुछ यहाँ के थोड़े से नज़ारे आप लोगों से बातें।
मस्त आ रहा है। तो अभी उत्तराखंड के काफी लोग जब ये आए हैं, आ रहे भी आ रहे शायद लगता है, तो एक प्रोग्राम कितने बजे स्टार्ट हो गया था वैसे? 4 बजे का टाइम था वैसे तो अभी 1 घंटा हो चुका है प्रोग्राम को, तो काफी अभी कमी भीड़ कम है अभी थोड़ा सा लोगों को, यहाँ के लोगों को थोड़ा कम पता चल रहा है। हम भी काफी दूर से यहाँ पे आ गए, लेकिन देखो अच्छी बात है इसी प्रकार से यहाँ प्रोग्राम होते रहे और काफी अच्छा लगता है। नमस्कार सर। सर कैसा लग रहा है अभी यहाँ के? हेलो हेलो, पहुँचे नहीं पहुँचे? तो ये शानदार परफॉर्मेंस ईशा, भावना और प्रिया के द्वारा, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। सर कहाँ के रहने वाले? और अब आज का तीसरा परफॉर्मेंस बच्चों का, चेतना भटियाल, भूमिका रमोला, अनामिका और राखी, आप लोगों के सामने। तो यहाँ काफ़ी अच्छे से सुंदर, काफ़ी बेहतरीन लोग हैं जो हमारे उत्तराखंड के हैं, बिल्कुल काफ़ी अच्छे ट्रेडिशनल ड्रेस में। देखो कैसे कैसे लड़कियों ने भी डांस बहुत बेहतरीन तरह से किया था। तो पहाड़ी रीति रिवाज हमारे को सबसे ज़्यादा पसंद है और हम लोग पहाड़ी के रिलेटेड से सारे काफ़ी। हाँ जी सर। नहीं पता है यार, देखो तू पहाड़ी में डांस वन करना था तुम यार, तू पता नहीं था। ये प्रियंका मेहरा का गाना है, ठीक है ना? प्रियंका मेहरा ने गाया है और इसमें गाया जो आपका जो क्या कहते हैं क्या नाम है, मनोज आर्या ने, दोनों ने मिलकर गाया तो काफ़ी अच्छा है। थैंक यू बच्चे, काफ़ी अभी जानते नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा है, इनको मजा आ रहा है। करें थोड़ा सा हमने कहा इनसे ले लेते हैं, अभी कुछ बहुत से लोग हैं जिनसे बातें कर लेते हैं, अभी कुछ यहाँ के लोग भी हैं कुछ इस क्षेत्र के। नमस्कार सर, आप बोलो। सही सर, शर्मा नमस्कार। सर शर्मा ने लगता है यहाँ के देश विदेश के लिए आज तो शर्माना नहीं चाहिए, हमारे उत्तराखंड के लोग हैं अभी। दिल्ली सरकार है, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी अकादमी। कहाँ से आए सर ये तो बताइए? कुमार द्वार में आए हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उत्तराखंड से नहीं आए आप, पालम क्षेत्र से आए। लोग स्वागत था परसों पहले आ गए कि आज उत्तराखंड से। अच्छा अच्छा, तुम लोग संख्या में ये पहुंच रचा, आप बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ जगह कार्यक्रम के शुभारंभ करना जी,
जगा रहे हैं, पूरा जग रहा है हमारा। ये एक बिल्कुल सही बात है। और अभी कैसा लग रहा है हमारे पहाड़ में? अच्छा, आपको उत्तराखंड कहाँ से रहते हैं? दीप जले में कार्यक्रम शुभारंभ हो, कुछ नाच और गीत दिखाई, और यदि तुमको बहुत लागू तो वो ननु जी एक बहुत जोरदार ताजुल स्वागत करो। अच्छा पता नहीं, आपका शुभ नाम बताइए। धीरज सिंह गैड़ा है। अच्छा जी, मैं कैसा लग रहा आपको यहाँ पे आके? हमारे जो आज विशेष पहुंची हमारे विधायक है, थोड़ा सा गरम विलम्ब है, पर तुमने सब हमारे पहुँचने सा जब पहुँच सब आ गई तो कार्यक्रम शुभारंभ है जाते हैं। तो मैं कार्यक्रम शुभारंभ करना जी के हमारे जो गढ़वाली कुमाऊनी जो अंसारी एकेडमिक ऑफिसर हेड थे, हेड ऑफ ऑफिस कार्यालय अध्यक्ष श्री ऋषि कुमार शर्मा जी हमारे बीच में है, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। और हमारे जो कार्यालय के लेखाधिकारी हैं श्री जितेंद्र प्रसाद जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दें। सचिव महोदय हमारे संजय गर्ग जी, जिनका एक विजन है कि एकेडमी हर कॉलोनी में जाकर के, हर क्षेत्र में जाकर के एकेडमी अपनी प्रस्तुति देगी, ताकि एकेडमी खोलने का जो प्रयास दिल्ली सरकार ने किया है वो सफल रहे। तो उसी मुहिम में हम लोग आपके यहाँ क्षेत्र में आए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम देने के लिए। जब घर में खाना पानी पीने में रहे हैं, बिल्कुल हमारे बीच में हमारे अकेडमी के जो सचिव है श्री, मेरा नाम सुरेश चंद है, पृथ्वी सिंह भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और अपने कार्यालय अध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस हमारे गढ़वाली अकेडमी से निवेदन करता हूँ कि अतिथियों सहित आए और दीप प्रज्वलित कर आपके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और उनके साथ हमारे जो इस समय संचालन समिति अकेडमी के संचालन समिति के सदस्य हैं श्री प्रभाकर पोखरियाल जी, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है, उनसे भी अनुरोध है कि दीपक दीप प्रज्वलन के लिए आए। हमारे अकेडमी के सदस्य मुकेश कठैर जी भी आप एक यहाँ आए और दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग करें। अच्छा, रानी खेत में कभी आपने वो खाया? क्या नाम कहते हैं, पकौड़े हो गए और रायता? निवेदन करना चाहता हूँ सुमन रावत जी उत्तराखंड वो भी आए दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। गंभीर सिंह नेगी जी प्रधान उत्तराखंड विकास एवं सांस्कृतिक समिति, श्री राकेश रावत प्रधान देवभूमि एकता मंच, श्री श्यामलाल जी दिल्ली में यहीं पे जन्म हुआ, तो अपना कृपया आए। पहाड़ी भाई छोटे भाई हैं अपने, चेतन शर्मा जी को सपोर्ट करो, आरडब्ल्यू के प्रधान यहाँ पर हैं, उनसे भी आग्रह है कि आए दीप प्रज्वलन करें। का नाम होना चाहिए और क्या रखा है सर? हमारे जो उत्तराखंड के जो लोग हम अभी देख रहे हैं उसको क्या कहना चाहूँगा? मैं बस यही कहना चाहूंगा यार कि वीरेंद्र सिंह रावत और नरेंद्र सिंह नेगी जी भी सहयोग करें, सिंगापुर में हो कहीं भी रहो, बट अपनी जो धरोहर है, जो अपनी उत्तराखंड की धरोहर है उससे जुड़े रहो। ठीक है, पहाड़ी गाना, पहाड़ी गाने हैं अपने, पहाड़ी कल्चर है, उसको मत छोड़ो, मतलब अपने रीति रिवाज को झन भूलो। बिल्कुल सही बात, हम अपने रीति रिवाज यार दिल्ली में प्रदेश में भूल गए। वही वाला हाल था ना अभी लॉकडाउन से, लॉकडाउन में सारे मतलब लॉकडाउन से पहले सब गांव छोड़ के दिल्ली आ रहे थे, और जैसे लॉकडाउन लगा सारे दिल्ली क्यों भागे गाँव? अब वहाँ स्वच्छ हवा थी, अच्छा खाना पीना, इसलिए भाग गए ना। सही बात है, स्वच्छ है, अभी रहो ना, अभी जाके रहो, अभी तक वैसे बना के रखोगे हम कभी भी जा सकते हैं वहाँ। तो कोरोना का टेंशन ही था, अभी नहीं थी कोई ना छुआ छूत ना कुछ। यहाँ पे तुम एल्कलाइन पानी पी रहे हो, ले रहे हो 220 रुपए की बोतल ले रहे हो, ये ले रहे हो, वहाँ जाओ, चलो ऊपर धार से पानी आ रहा है वहाँ से पियो, उससे क्या पानी गाढ़ा का वही है जी, अपना हमारी सारी धरोहर वही है, हमारे बुढ़े बुजुर्ग दे गए हमारे को, उसको जितना आगे चला सकते हो चलाओ, नहीं चला सकते तो यहीं दिल्ली गर्मी में मरते रहो। अच्छा, कुछ उत्तराखंड का गीत सुना सकते हो, कोई छोटा मोटा जो आपको आता है? तो आज का थोड़ा सा एक वो मुझे बड़ा अच्छा लग रखा है, वो यार वो कौन सा था, वो मोटी माँ, वो ढाई तोले गलो बंद बना दे, सुना दो पहाड़ी लोग सर कह रहे हैं यार, अरे पहाड़ी आवाज अच्छी आती है, और दादी सुना दे हर खाली सलवाम सा यार खाली सुना दी लेन दी सुन कुमाऊं क्षेत्र
नैना क्या कलाकार जी बहुत है, मतलब उसे तैयार कलाकार बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने एक छोटे छोटे नाना एक घोड़ छो हमारे तो उसे कहते जरा थोड़ा हमने तो मैं लागे सुहा गुड गुड बटूली लगे मैं लागे सुहा गुड गुड बटूली मैं लागे हाँ पाकि गई आमा नींबुआ का साना हाँ नींबुआ का साना तेरी सुहा क्या बात है। वो एक बड़ा फेमस गाना चल रहा है अभी, आ जाओ मैं अपने गाने में ही बोल रहा कि आ जाओ यार पहाड़ पे आ रहे हो यार कि हमारे बस हो गया खत्म हो गया आ जाओ पढ़ रहे हो दिल्ली में सदस्य। थैंक यू सर, काफी अच्छा लगा यहां पे लोगों से बात करके जी का नए युवा लोग हमारे उत्तराखंड टोपी पहना करके अभिनंदन करें स्वागत करें। काफी चीजों को दिखाने के लिए हम यहां आते रहते हैं, हर जगह जहां भी ब्लॉग्स होते हैं हम अपडेट करते हैं उत्तराखंड को कल्चर को यहां दिखाने के लिए स्पेशल आते हैं। क्योंकि आज मैं चाहता हूं पालन के क्षेत्र में आया हूं तो आपको सबको दिखाऊं यहां पर किस तरह से लोग देखिए, अगर हमारे पास कुर्सियां नहीं तो हमारे लोग देवभूमि में बैठ गए, ये सब देवभूमि में बैठे हुए देखो कितनी अच्छी अचंभों की बात है, कितनी खुशी की बात है। हम लोग मिट्टी से जुड़े तो मिट्टी में ज़्यादा बैठना पसंद ज़्यादा करते हैं, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और काफ़ी यहाँ पर अभी जो बड़े प्लेइंग गेस्ट जो आ रखे हैं यहाँ पर लोग जो सारे संस्था के लोग अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एक अच्छा मोमेंट हो रहा है जैसे लग रहा है उत्तराखंड में पहुँच गए। चलो दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे किस प्रकार से इनका स्वागत हो रहा है।